महीने जून में हमारे दोनों सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव और पावर स्टार पवन सिंह दोनों के काफ़ी सारे धमाकेदार वीडियो गाने आए थे। आज बात करेंगे उन्हीं सारे गाने के बारे में कि किस गाने पे कितना व्यूज है, टोटल करेंगे सारे गानों का कि किसके पास सबसे ज़्यादा व्यूज है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं डुनेड यादव, चलिए शुरू करते हैं पहले पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से। तो पावर स्टार पवन सिंह के पिछले महीने जून में टोटल 8 गाने रिलीज हुए थे और जिसमें पहला गाना था ओढ़निया हटा के, और इस गाने पे अभी व्यूज की बात करें तो टोटल आपको 12 मिलियन व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद रिलीज हुआ था दशहरी अमावा और इस गाने पे अभी व्यूज हैं टोटल 15 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था चल चल और इस गाने पे अभी व्यूज है 3.2 मिलियन, और ये गाना एक बार डिलीट हो गया था जबकि उस टाइम करीबन 5 मिलियन इस पर व्यूज़ थे, और अभी करेंट में इसको देखें तो इस पर 3.2 मिलियन व्यूज हैं। अगला गाना रिलीज हुआ था अंगूरी से बंगूरी और अभी इस गाने पे व्यूज है 5.4 मिलियन। अगला गाना रिलीज हुआ था रोवे ले रघुराई और इस गाने पे अभी व्यूज है 7.5 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था हिला के नाच और इस गाने पे अभी व्यूज है 4.7 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था लाइटर और अभी इस गाने पे व्यूज है 2.7 मिलियन। उसके बाद लास्ट गाना रिलीज हुआ था पावर स्टार पवन सिंह का, जिस गाने का नाम था राजा जी, और अभी इस गाने पे व्यूज है 3.5 मिलियन। यानी टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं 8 गानों का व्यूज तो होते हैं आपको 56 मिलियन व्यूज। यानी कि पावर स्टार पवन सिंह जितने सारे जून में गाना रिलीज हुए सबका व्यूज कैलकुलेट करते हैं तो होता है 56 मिलियन। और अब बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के लास्ट महीने जून में टोटल 12 गाने रिलीज हुए थे, जिसमें 7 गाने एल्बम के थे, 4 गाने फिल्म के थे और एक फिल्म का ट्रेलर था। सभी की बात करेंगे कि अभी इस सब पे कितना व्यूज मिला हुआ है। पहला गाना रिलीज हुआ था गजब जीवन जी ही, अभी इस गाने पे व्यूज है टोटल 16 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था हमार जिला और अभी इस गाने पे व्यूज है 6.1 मिलियन। उसके बाद फिल्म का गाना रिलीज हुआ था किस्मतिया बनौला छोटा राम जी और अभी इस गाने पे व्यूज है 2.5 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था सेंटर पे रेंटर और इस गाने पे अभी व्यूज है 2.9 मिलियन। उसके बाद गाना रिलीज हुआ था लहर उठे और अभी इस गाने पे व्यूज है 2.7 मिलियन। उसके बाद गाना रिलीज हुआ था आम के स्वाद और अभी इस गाने पे व्यूज है 13 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था कैलू झूठा वादा और ये एक वीडियो सॉन्ग था, इसका ऑडियो काफ़ी पहले आ गया था और अभी इस गाने पे व्यूज है 8,18,000। उसके बाद एक मूवी का ट्रेलर आया था जिस मूवी के नाम था सन ऑफ बिहार और अभी इस ट्रेलर पे व्यूज है 2.5 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था जीजा जी से सीख लो और अभी इस गाने पे व्यूज है टोटल 10 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था हमारा से ड्यूटी डबल ना हुई मूवी का गाना था और अभी इस गाने पे व्यूज है 1.8 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था चूमा है विटामिन और अभी इस गाने पे व्यूज है 2.3 मिलियन। उसके बाद रिलीज हुआ था एक ही गो दिल के करा के दी और अभी इस गाने पे व्यूज है 3.3 मिलियन। और उसके बाद रिलीज हुआ था सनीचर के फर्नीचर और अभी इस गाने पे व्यूज है 3.2 मिलियन। यानी टोटल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे होता है 7 एल्बम का गाना, 4 फिल्म का गाना और एक ट्रेलर, टोटल 12, और इन सब का व्यूज कैलकुलेट करते हैं तो होता है 66.7 मिलियन व्यूज। इतना व्यूज मिला हुआ है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को लास्ट महीना जून में। वहीं पावर स्टार पवन सिंह के पिछले महीने जून में टोटल 8 गाने आए थे और टोटल व्यूज कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे होता है 56 मिलियन, और खेसारी लाल के टोटल कैलकुलेट करते हैं तो होता है 66 मिलियन। तो ये होता है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के इनका डिफरेंट जून महीने में कि किसका गाना ज़्यादा बाजा, किसको ज़्यादा व्यूज मिला हुआ है। ये वीडियो जस्ट एक कंपैरिजन से बनाया गया था कि मार्केट में कौन बज रहा है, किसका गाना ज़्यादा आ रहा है, किसका गाना ज़्यादा चल रहा है, उसी का एक छोटा सा कंपैरिजन था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं डुनेड यादव, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दोनों सुपरस्टार के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।